मॉर्निंग एवरीवन, आई एम जूही, टीचर ऑफ आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल. आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश रीडर फॉर क्लास थर्ड. सो क्लास थर्ड और रिवीजन चैप्टर इज योर चैप्टर 5. हम यहाँ पे अब रिवीजन करेंगे इस चैप्टर की. आप सभी को पता है आपके यूटी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपके जो यूटी में जो चैप्टर आने वाले हैं 5 से लेके 9 तक होंगे रीडर में. तो लेसन 5 से लेसन 9 तक, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके 5 चैप्टर हैं. और ग्रामर भी आएंगे, ग्रामर पोर्शन भी दूंगी मैं, ठीक है. आज हम ग्रामर के बारे में भी बता दूंगी मैं, कितने आएंगे सिलेबस मैं आपको दे दूंगी. आप ये आपका जो है चैप्टर 5 के हम रिवीजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं जो आपके यूट्यूब में आएंगे. आप सभी को पता है MCQs वाले क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम टिक द करेक्ट ऑप्शन भी कहते हैं, ठीक है. तो चैप्टर की रीडिंग, चैप्टर की स्टोरी मैं दोबारा से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके चैप्टर में से भी कुछ क्वेश्चंस MCQs के आ सकते हैं बन के, है ना. जैसे कि आप देखो इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हु सैड, मतलब किसने कहा, ऐसे करके भी आ सकता है कि, है ना, हु सैड वेयर फ्रॉम कैन दिस साउंड बी कमिंग, इट इज़ सो सैड एंड पेनफुल. जैसे ये क्वेश्चन आ गया ना, हु सैड मतलब किसने कहा, तो ऑप्शन में दे सकती हूँ मैं. जैसे ममता एंड लीज लिखा हुआ है तो मैं ऑप्शन में दे सकती हूँ, जैसे टोनी मोंटी, टोनी एंड मोंटी, ऑप्शन बी ममता एंड लीज, ऑप्शन सी ट्री, ठीक है. तीन ऑप्शन दे दिए तो इसमें स्टेटमेंट आपको पता चल गया है कि ममता लीज ने कहा, तो उस पर आप टिक लगाओगे, तो ऑप्शन बी में लगाओगे, है ना. इसलिए आप सभी को पता है सेविंग ट्री वाला चैप्टर है ना. ये जो जितने भी टोनी मोंटी पिंकू टीनू ममता एंड डेज जो हैं, ये सारे फ्रेंड हैं. ये सब निकले थे बोटिंग के लिए, लेक पे गए थे, झील, लेक को हिंदी में झील बोलते हैं, बोटिंग के लिए गए थे. तो वहाँ उन्होंने बाहर गए घूमने के लिए, तो एक साउंड सुनी तो तुम लोग आश्चर्यचकित हो गए, कैसी आवाज़ आ रही है वहाँ से, कौन सी आवाज़ आ रही है. तो ममता लिज ने कहा कि ये साउंड जो कहाँ से आ रही है, तो दर्द वाली जो आवाज़ है. टोनी मोंटी बोलते हैं कि हाँ ये कहाँ से आ रही है, कोई ऐसा बोल रहा है कि हेल्प मी हेल्प मी. तो पिंकू और टीनू बोलते हैं कि ऐसा लगा जैसे कि ट्री बोल रहे हैं हमसे, जो हमारे आसपास ट्री हैं वो बोल रही हूँ, है ना. अब बात तो सही थी कि ट्री ही बोल रहे थे, ट्री जो है वो बोल रहे थे अपने बारे में कि हमें बचाओ, कि हमें जो सब काट रहे हैं, हमें काट तो रहे हैं ठीक है क्योंकि उनको ज़रूरत है, पर काटने के बाद वो क्या कर रहे हैं, उसकी जगह नए प्लांट नहीं लगा रहे हैं. तो इससे क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट का ट्रीज़ जो हैं कम हो जाएंगे. प्लांट आप सभी को पता है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. तो वो चाह रहे थे कि ठीक है अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए या अपने जो भी नीड्स के लिए आप जो ट्रीज़ काट रहे हैं काटो, तो साथ ही साथ न्यू प्लांट भी लगाओ, ठीक है. चैप्टर का तो यही था मतलब. फिर जो है आपके नेक्स्ट है आपके वर्ड मीनिंग में से भी क्वेश्चन आ जाता है ना, आपके आपने पहले भी दे चुके हो, आप सभी को पता है. जैसे वर्ड मीनिंग में से आ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिंदी मीनिंग ऑफ आउटिंग. हिंदी मीनिंग क्यों, देखो हिंदी मीनिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके जो वर्ड मीनिंग मैंने हिंदी में करवा रखे हैं, बुक में इंग्लिश में दे रखा है पर मैंने हिंदी में करवा रखे हैं. तो आउटिंग मतलब होता है पिकनिक, बाहर घूमना फिरना होता है. सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित, वंडर्ड. सैड का मतलब होता है कि फुल ऑफ सॉरो, मतलब दुखी होना. इन वन वॉइस मतलब एक आवाज़ में. डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है नाउन फॉर्म डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट इसका मतलब एक तरफ से होता है बर्बाद होना, ठीक है. सौ मतलब होता है देखना, या एक सौ सौ मतलब होता है देखना, होता है जो पास्ट टेंस में यूज़ देखने को, मतलब सी होता है ना, SEE देखना, तो हम पास्ट में यूज़ करते हैं सौ. पर यहाँ पे जो सौ यूज़ किया गया है वो आपका जो है वो टूल्स, मतलब वुड्स को काटने के लिए जो टूल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी, वो जो होता है ना वो होता है आपका. नेक्स्ट है आपका मर्सलेसली का मतलब होता है क्रूली मतलब बुरे तरीके से. टेरिबली का मतलब शॉकिंगली, एकदम शॉक होना. फेलिंग का मतलब होता है कटिंग, फेलिंग का मतलब पहले मतलब कट करना, जो कट कर रहे थे काटना. रेजिंग का मतलब होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो बना रहे हैं नई चीज़ें वहाँ पे डेवलप करना एरिया पे. कंसर्न मतलब ट्रबल या वरी, मतलब परेशान होना या चिंता करना. ऑक्सीजन का मतलब प्योर एयर विच वी ब्रीथ,
वो ताजी हवा जो हम जिससे सांस लेते हैं, प्रोटेक्ट का मतलब बचाना, ब्लेस का मतलब ग्रांट, जॉय एंड हैप्पीनेस मतलब खुशी जो मिलती है वो जॉयनेस। ठीक है, ये जो आपके हैं वर्ड मीनिंग है, इसमें से भी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से इनको भी लर्न करेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में से भी आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग इन द लेक, लेक में बच्चे क्या कर रहे थे, बोटिंग कर रहे थे, तो ऐसे भी आ सकता है ना, तो ये भी क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से कर लेना। व्हाट डिड दे हियर, उन्होंने क्या सुना, एक साउंड सुनी। व्हाट डिड द ट्रीज रिक्वेस्ट टू द चिल्ड्रन, ट्रीज ने क्या रिक्वेस्ट किया कि हम न्यू हमारे पेड़ जो काट रहे हो उसकी जगह न्यू प्लांटिंग भी करो। व्हाट डू द ट्रीज गिवन अस, उन ट्रीज ने हमें क्या दिया, क्या बताया हमें, ट्रीज ने क्या क्या दिया है हमें, हमें ट्रीज वुड दिया, फ्रूट्स वगैरह बहुत चीज़ें दिए। ठीक है, व्हाट डू व्हाट डिड द चिल्ड्रन प्रॉमिस, बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया, उन्होंने ये प्रॉमिस किया ना कि ठीक है हम लोग आपकी बात सुनते हैं और नए जो ट्रीज हैं प्लांट करेंगे या पौधे हैं लगाएंगे। नेक्स्ट आपका है ये स्टेटमेंट सीक्वेंस में है, ये स्टेटमेंट जो है आप इसे ना भी करें तो चलेगा, आपका जो नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स उसे भी कर लेना अच्छे से। समझ में आ गया, MCQs वाले क्वेश्चन आपके चैप्टर में से भी बन के आ सकते हैं, वर्ड मीनिंग में से भी बन के आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर में से भी बन के आ सकते हैं और ट्रू फॉल्स में से भी बन के आ सकते हैं। अच्छे से इसलिए चैप्टर को आप रिवाइज करोगे, लर्न करोगे। ठीक है, थैंक यू।